हेलो एवरीवन, दिस इज कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे एंकरिंग के ऊपर, फाउल एंकर एंड फाउल हॉज। ठीक है, दोनों ओरल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि दोनों पे ही फाउल टर्म्स लिखा हुआ रहता है एंड दोनों पे बस मेन डिफरेंस आता है एंकर और हॉजिंग पे। ठीक है, आपको कोई भी पूछ सकता है, आपको बोलना है इसका मेन डिफरेंस या फिर इसका जो डेफिनेशंस और दोनों का क्लियरिंग प्रोसीजियर्स। ये एक्चुअली ये दो क्वेश्चन फॉर 2 MFG बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं टॉपिक्स पे। नाउ पहले व्हाट इज फाउल एंकर। ठीक है, क्या है? व्हेन द एंकर इज फाउंड टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड और एंटेंगल्ड विद डेब्रिस और अदर फॉरेन बॉडी। ठीक है, मतलब कोई भी एंकर फाउंड टू बी ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब उसको जो ऑब्स्ट्रक्ट किया है एंकर को ड्यूरिंग द वेइंग एंकर, आपको एंकर उठाने के टाइम किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकता है? कोई भी ओशन डेब्रिस हो सकता है या फिर फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी मतलब आपका जो सबमरीन केबल गया है नीचे से, या फिर कोई इलेक्ट्रिक केबल पास किया होगा, या फिर कोई आपका जो वायर रोप, अनयूज्ड वायर रोप जो फेंका जाता है समुंदर पे, वो भी हो सकता है। वो अगर ऑब्स्ट्रक्ट किया वेइंग आपके टाइम, तो उसको हम लोग नाम दिया है फाउल एंकर। ठीक है, तो कैसे दिखता है ये? सपोज मेरा एंकर ये है, दिस इज माय एंकर, मैं ड्रॉप किया एंकर, इधर एक सबमरीन केबल पास किया होगा, तो नॉर्मली एंकर बैठ गया, मेरा जहाज पोजीशन भी होल्ड कर जाएगा इधर। ठीक है, तो जब हम लोग एंकर उठाने के टाइम ये अगर इधर लपेट गया होगा, इसको हम लोग कहते हैं एंकर, फाउल एंकर। ठीक है, इसके जगह कोई डेब्रिस भी हो सकता है, इधर पत्थर भी हो सकता है, मेरा एंकर जाके ऐसे स्टक हो गया होगा, उसको भी नाम दिया जाता है फाउल एंकर। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं व्हाट इज फाउल हॉज। ठीक है, व्हेन द टू एंकर केबल्स हैव बिकम टर्न्ड एंड ट्विस्टेड टुगेदर विथ बोथ एंकर्स डिप्लॉयड। ठीक है, मूरिंग पे हम लोग पढ़ते हैं कि मेरा एंकर दोनों एंकर की भी डाल के हम लोग मूरिंग करते हैं, तो जब ये दोनों एंकर एक्चुअली एंटेंगल हो जाता है या फिर ट्विस्ट हो जाता है या फिर टर्न हो जाता है, उसको नाम दिया गया है फाउल हॉज। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत टाइप्स का होता है, मेन टाइप्स जैसे एग्जांपल हो गया ये वाला एक फोटो, मेरा इधर एक एंकर हो गया, इधर एक एंकर हो गया, दोनों ही मैंने डिप्लॉय किया था, लेकिन क्या हो गया, दोनों एक्चुअली टर्न्ड हो गया, तो दिस इज व्हाट इज फाउल हॉज ऑफ एंकर। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स का होता है ये भी पूछा जाता है MFG ओरल के टाइम। ठीक है, क्रॉस क्रॉस हो जाएगा जब आपका वेसल स्विंगिंग थ्रू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब 180 डिग्री स्विंग पे अगर आपका फाउल हॉज होगा तो उसको नाम दिया गया है क्रॉस। देन कमिंग टू एल्बो, एल्बो ऑलमोस्ट सेम, मतलब सेम ही है, बस आपका जो डिग्री है वो 360 डिग्री, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ये स्विंग, इसको नाम दिया गया है एल्बो। देन कमिंग टू द क्रॉस एंड एल्बो कॉम्बिनेशन, इट इज व्हेन इट द टर्न हैज reached through 540 degree, that is then the foul hodge is said to be cross and elbow type. And round turn मतलब आपका cable cross and swing through हो गया 720 degree. तो आपको ये याद कैसे रखना है, नाम तो आपको याद easy हो, cross elbow ये तो easy हो जाएगा, इसको आप 90 से हमेशा इसको 2 इसको 4 लीजिए, 6 और 8। ठीक है, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए सब दो दो करके बढ़ गया 90 का, ये 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 4 360, 90 इंटू 6 540, 90 इंटू 8 720। ये आपको याद करने का बेसिक सिंपल तरीका है, बाकी नाम आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स। अभी रीजन्स किस लिए फाउल हॉज, पहले मैं फाउल हॉज के बारे में बात करता हूँ कि इसका जो मेन रीजन क्या है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ऑफ मूरिंग With two anchors, actually ये basically two anchors deploy का एक disadvantage है foul hawse, is the risk of fouling the end and cables about each other. ठीक है, this is generally caused by poor watchkeeping practice. Poor watchkeeping क्यों बोला गया है, क्योंकि when the changing in the wind, आपको मालूम है कि जब anchor पे होगा watchkeeper का जिम्मेदारी होता है कि wind direction या फिर tide ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको मालूम है wind direction change हो रहा है, आप हमेशा logbook पे उसका जो records put कर रहे हैं, लेकिन आप anchor के तरफ ध्यान नहीं दिए, तब ये poor watchkeeping के लिए foul hawse होता है। Could result the vessel swinging in opposition lay of the cables. अदर जैसे कि tide change हो रहा है, आपका vessel swing करेगा, ये भी एक meteorological reason हो गया फॉर हॉज, लेकिन उसके लिए हम लोगों को एक्चुअली ये हम जिम्मेदारी होता है वॉच कीपर्स का ही।
ठीक है, तो अभी ये हो गया रीजन, तो हो तो गया हम लोगों का हॉज। अभी इसको हम लोग किस तरीके से, सेवरल वेज टू क्लियर द एंटेंगल्ड केबल्स, ठीक है। तो मैं इसको पहले आपको वेज बोल देता हूँ कि किस किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, बाद में एक का मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दे के बोल दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले चलते हैं वेज पे। नाउ देखिए, यूज द शिप्स एंकर, सॉरी इंजिन, मतलब जहाज का इंजिन खुद लगा के हम लोग टू टर्न द शिप इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन पे आपका अगर इस डायरेक्शन पे लग गया है तो हम लोग जहाज को उल्टा साइड घुमा के द फाउल टर्न एट द टाइम ऑफ स्लैक वाटर्स। तो मेन पॉइंट क्या हो गया, स्लैक वाटर के टाइम जहाज का इंजिन से हम लोगों को ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हॉर्स हम लोगों को घुमाना है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर जो टर्निंग या ट्विस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको हम लोग इंजिन से नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। देन क्या है, एंगेज अ टग, टग ऑपरेशन करके टू पुश द वेसल अराउंड इन ऑपोजिशन ऑफ द टर्न्स, मतलब जो हम लोग इंजिन से कर रहे हैं वो टग से करेंगे। लेकिन क्या होता है, ये मेथड बहुत एक्सपेंस करता है क्योंकि आपको एक टग हायर करना पड़ेगा, आपको पोर्ट अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा इसके लिए, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजियर्स है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग अ बार्ज, बार्ज लेकिन थोड़ा अलग टाइप का काम करेगा, क्यों, क्योंकि इट इज अ सिमिलर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एंड रिसेप्टेकल, ब्रेक द स्लीपिंग केबल। स्लीपिंग केबल क्या हो गया, आपका जहाज ये है, आपका एंकर दोनों केबल हैं, ठीक है, एक केबल आपका हमेशा टाइट रहता है जो जिस पे लोड लेता है, तो उसको हम लोग नाम दिया है राइडिंग केबल। जो केबल हमेशा थोड़ा लूज रहता है उसको हम लोग नाम दिया गया है स्लीपिंग केबल। तो आपका स्लीपिंग केबल जो है ये टाइट होता है, इसीलिए हम लोग इसको ब्रेक करने में मुश्किल होता है। जो स्लीपिंग केबल है उसका वेट हम लोग बार्ज पे लेके उसको हम लोग लोअर कर देंगे बार्ज तक। प्रोसीड टू पुल द बार्ज विद द केबल अराउंड द राइडिंग केबल टू क्लियर द फाउल टर्न्स, ठीक है, मतलब स्लीपिंग केबल का वेट हम लोग बार्ज पे लेंगे, फिर पुल द बार्ज विद द केबल, मतलब बार्ज के समेत उस केबल को खींचना है अराउंड द राइडिंग केबल टू क्लियर द फाउल टर्न्स। द शिप्स बोट कुड प्रोवाइड मोटिव पावर टू मैन्यूवर द बार्ज, मतलब अगर जहाज का कोई अलग से बोट होगा तो वो भी यूज कर सकता है, लेकिन उसका अलग से मतलब उसका पावर उतना नहीं ले पाएगा जितना एक बार्ज आके ले सकता है। तो एक प्रोसीजियर ये हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसीजियर, नेक्स्ट इज ब्रेक द स्लीपिंग केबल। उतना कुछ नहीं, आपको केबल लॉस होने का चांस रहता है इस पे, लेकिन अगर आपका केबल पहले से आप इसमें ले लीजिए, इजिंग वायर पे अगर आप लोड ले लीजिएगा स्लीपिंग केबल का, तो इसमें जो आपका एंकर केबल है बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है वो, तो उसको लूज करना मतलब आप कंपनी के तरफ से पूरा आपको एकदम झटका आ जाएगा, ठीक है, अगर कोई एंकर केबल लॉस हो गया तो उसको हम लोग लॉस बिना लॉस किए हुए इजिंग वायर से हम लोग पहले फ्रॉम द बाउ मतलब आगे से उसका लोड ले लेंगे, फिर स्लीपिंग केबल ब्रेक करके फिर पुलिंग द इजिंग वायर हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं, उसके साथ भी हम लोग फाउल हॉज क्लियर कर सकते हैं। तो ये और एक प्रोसीजियर्स हो गया। नाउ कमिंग टू वन मोर प्रोसीजियर्स, अगर बार्ज टाग या फिर इंजिन से नहीं हो रहा है तो बेसिक सीमेनशिप या फिर गुड सीमेनशिप से हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं फाउल हॉज, ठीक है, बाय ब्रेकिंग एंड डिपिंग केबल्स, ये प्रोसीजियर्स का नाम है। तो देखते हैं ये प्रोसीजियर्स कैसे होता है। हीव अप ऑन द बोथ एंकर केबल्स टू ब्रिंग द फाउल टर्न्स विजिबल अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, ये आपका जहाज का आगे वाला पोर्शन है, ये आपका वाटर लाइन है, तो हम लोगों को जो हीव अप करना है एंकर ताकि जो एंकर का टर्न है वो वाटर लाइन से हम लोगों को क्लियरली दिख जाए, इतना दूर हम लोगों को उसको मतलब हीव अप करना है एंकर केबल को, ठीक है, ये वाला कर दिए हम लोग। फिर क्या करना है, लोअर द शिप्स बोट एंड लैस द टू एंकर केबल्स टूगेदर विथ अ मनीला रोप लैशिंग, आप लोअर करते शिप्स बोट भी लोअर कर सकते हैं या फिर कोई भी आपका जो स्टेज होता है या फिर चेयर बोशन चेयर ये सबसे भी आप कर सकते हैं इन अ पोजिशन बिलो द टर्न्स, ये याद रखिए बिलो द टर्न्स, मतलब क्या बोला है, ये आपका अगर जहाज का ये आगे वाला बाउ साइड है, ठीक है, ये आपका एंकर केबल, तो बिलो द टर्न्स मतलब मनीला लैसिंग आपको इधर लेना है ये वाला जगह पे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरा एंकर केबल्स है, ठीक है, ये वाला स्लीपिंग केबल, ये वाला राइडिंग केबल हो गया, देखिए ये वाला टाइट है तो ये वाला लूज है थोड़ा, ओके। नाउ कमिंग टू द आपका मनीला लैसिंग तक आप ले लिए, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पास अ प्रिवेंटर वायर ऑन अ बाइट थ्रू द स्लीपिंग केबल एंड सिक्योर ऑन डेक द मतलब आपको एक प्रिवेंटर वायर पास करना है थ्रू द स्लीपिंग केबल, ये वाला प्रिवेंटर वायर क्यों पास करेंगे, टू टेक द लोड ऑफ द स्लीपिंग केबल। द प्रिवेंटर वायर कैसा, प्रिवेंटर वायर का साइज क्या होगा, 24 mm वायर रोप होगा,
जो एक एवरेज साइज के एंकर के लिए होता है। और इसका क्या काम क्या होता है, सेफ गार्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ द चेन एंड, मतलब आपका स्लीपिंग केबल बिना लॉस किए हुए आप उसको फाउल हाउस ओपन करेंगे, तो इसके लिए हम लोग प्रिवेंटर वायर यूज किए है। अभी प्रिवेंटर वायर का फोटो देख लीजिए, इधर से देखिए प्रिवेंटर वायर, ये मेरा स्लीपिंग केबल है, इधर से मेरा प्रिवेंटर वायर पास किया गया है, ठीक है। तो मेरा स्लीपिंग केबल का वेट अभी प्रिवेंटर वायर के ऊपर है, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वॉक बैक ऑन द स्लीपिंग केबल टू ब्रिंग द नेक्स्ट ज्वाइनिंग सर्कल ऑन डेक फॉरवर्ड ऑफ द विंडलेस। तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरा नेक्स्ट ज्वाइनिंग सर्कल, अगर ये मेरा विंडलेस हो गया, सपोज दिस इज हेयर इज माई विंडलेस, ये वाला विंडलेस हो गया, मुझे नेक्स्ट ज्वाइनिंग सर्कल ये वाला मुझे नेक्स्ट ज्वाइनिंग सर्कल पे लाना है, मेरा जो स्लीपिंग केबल है उसका नेक्स्ट ज्वाइनिंग सर्कल मुझे विंडलेस पे लाना है, तो ये पॉइंट यही बोलता है, ठीक है। देन पास एन ईजिंग वायर फ्रॉम द वार्पिंग ड्रम टू अ सैकल पोजिशन ऑन द स्लीपिंग केबल, एक ईजिंग वायर पास करना है जो एक वार्पिंग ड्रम पे लगा रहेगा, ये वाला ईजिंग वायर, तो पोजिशन एंड रिग सेपरेट डीपिंग वायर्स फ्रॉम ईच बाव। अभी हम लोगों को देखिए दो चीज लगाना है, एक हो गया ईजिंग और एक चीज है डीपिंग, ठीक है। ईजिंग वायर और डीपिंग वायर का दोनों का मेन फंक्शन भी अलग है, ठीक है। तो ईजिंग वायर हम लोग एक वार्पिंग ड्रम से डालेंगे और डीपिंग वायर्स हम लोग बाव साइड से डालेंगे। कैसे दिखेगा वो दिखेगा एक्चुअली ऐसा, देखिए ईजिंग वायर टू चेन एंड, तो ईजिंग वायर मैंने इधर डाल दिया, जो मेरा नेक्स्ट ज्वाइनिंग सर्कल मैंने अभी बोला वो लाने के बाद एक मेरा ईजिंग वायर इधर डाल दिया, और डीपिंग वायर मुझे इधर से लाना है, दोनों बाव साइड से मुझे डीपिंग वायर, ये एक डीपिंग वायर हो गया, ये एक डीपिंग वायर हो गया, ठीक है। तो मुझे ये रिक मैंने कर लिया, तो क्या मैंने रिक किया, प्रिवेंटर गाई एक ये, फिर मैंने डाला ईजिंग वायर, फिर मैंने डाला डीपिंग वायर दोनों साइड से, ठीक है। अभी मेरा पूरा मतलब सब कुछ मैंने रिक कर दिया, अभी मेरा काम है उसको क्लियर करना। वो कैसे करेंगे, ब्रेक द ज्वाइनिंग सैकल ऑन डेक एंड पे आउट द ईजिंग वायर टू लोअर द चेन एंड क्लियर ऑफ द हॉज पाइप। क्या बोला, इधर मेरा जो ज्वाइनिंग सैकल है वो मुझे ब्रेक करना है, ब्रेक जैसे हो जाएगा मेरा स्लीपिंग केबल गिर जा सकता है, लेकिन मेरा ईजिंग वायर है वो वाला केबल को लोड लेने के लिए, ठीक है। और इधर मेरा ऑलरेडी प्रिवेंटर गाई है दूसरा एंड पे लोड लेने के लिए, तो मेरा स्लीपिंग केबल एक्चुअली ये है, तो इधर मैं ईजिंग वायर से लोड ले लिया, इधर मैं प्रिवेंटर वायर से लोड ले लिया, तो मेरा जो स्लीपिंग केबल है तो नीचे नहीं जाएगा, कोई भी एंड उसका एकदम पानी में नहीं जाएगा, दोनों पे ही मेरा लोड है। अभी क्या करना है, पास द डीपिंग वायर फ्रॉम द बाव इन ऑपोजिशन अराउंड द राइडिंग केबल एंड शैकल टू द ब्रोकन चेन एंड लीड टू द डीपिंग वायर टू अस, सॉरी मैं धीरे धीरे बोलता हूँ इसको, पास द डीपिंग वायर फ्रॉम द बाव इन ऑपोजिशन अराउंड द, आपका डीपिंग वायर आप पास कर दिए राइडिंग केबल के साइड से, एंड सैकल टू द ब्रोकन चेन एंड, आपका जो ब्रोकन चेन आप जो मैंने अभी जो मैंने बोला स्लीपिंग केबल का जो मैंने एक चेन एंड ब्रेक होगा उसको मुझे डीपिंग वायर लगाना है, ठीक है। लीड द डीपिंग वायर टू अ सेकेंड वार्पिंग ड्रम, अभी मेरा डीपिंग वायर उसको सेकेंड वार्पिंग ड्रम में डालना है, एंड हीफ द वायर एंड द चेन एंड अराउंड द राइडिंग केबल स्लैकिंग बैक ऑन द ईजिंग वायर। तो इसको क्या बोला गया है, मेरा इधर ईजिंग वायर लोड ले लिया है, इधर मेरा प्रिवेंटर वायर लोड ले लिया, अभी मुझे एक सेकेंड वार्पिंग ड्रम से मुझे इधर से तो एक डीपिंग वायर भी डालना है, ठीक है। दोनों डीपिंग वायर मैंने इधर से डाल दिया और इसको एक वार्पिंग ड्रम में डाल दिया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यही बोलता है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू टू हीव ऑन द डीपिंग वायर टू ब्रिंग द एंड ऑफ द केबल ऑन डेक एंड इट विल बी ऑब्जर्व्ड एंड दैट वन हाफ टर्न ऑफ द फाउल हैज बीन रिमूव्ड। क्या बोला है, जो मैंने डीपिंग वायर इधर से डाल दिया, इधर देखिए ये वाला बोला गया है कि आपको एक सैकल से ब्रोकन चेन एंड पे डीपिंग वायर भी लगाना है, ठीक है। तो आपका जो ए वाला जो हिस्सा आप नीचे डाल दिए, ठीक है, ये वाला मेरा एंड नीचे आ जाएगा, मेरा स्लीपिंग केबल ये वाला मेरा हॉज पाइप्स है, तो इधर जैसे ही मैंने ब्रेक कर दिया ईजिंग वायर थोड़ा आपको पे आउट करना पड़ेगा और ए वाले से मुझे डीपिंग वायर लगा देना है, ठीक है। तो मेरा ईजिंग वायर भी लगा हुआ है, अभी मेरा डीपिंग वायर भी पास करके एक वार्पिंग ड्रम से गया है जो मेरा यही स्लीपिंग केबल से डीपिंग वायर को भी लगाना है, ठीक है। देन क्या हो जाएगा,
कंटिन्यू टू हीव ऑन द डीपिंग वायर टू ब्रिंग द एंड ऑफ द केबल ऑन डेक, मतलब जब तक डेक पे नहीं आ जाएगा मुझे डीपिंग वायर हॉज कर, मतलब आपको ये करना है, हीव करना है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको देखने में मिलेगा कि 1/2 turn, मतलब एक जैसे ही आप खींचेंगे उसको तो 1/2 turn ऑफ द फाउल हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। मतलब छोटा टर्न रहेगा तो पहला चांस में ही खुल जाएगा, लेकिन बहुत सारा टर्न्स होगा तो उसको क्या फिर से करना है, क्या करना है, डिटैच द ईजिंग वायर। अभी हम लोग ईजिंग वायर छोड़ देंगे, लीविंग इट टू द पोजिशन ऑफ द हॉज पाइप, मतलब ईजिंग वायर को हम लोग जिधर ही था इधर ही, जैसे मेरा हॉज पाइप के इधर ही था तो उसको हम लोग डिटैच कर देंगे, क्योंकि मेरा डीपिंग वायर पे अभी लोड आ गया है तो ईजिंग वायर का अभी काम नहीं है। तो डीपिंग और इसको हम लोग ईज करेंगे, सॉरी इसको डिटैच करके इधर ही छोड़ देंगे, मतलब हॉज पाइप का कनेक्शन पे ही, ठीक है। Ready to recover the chain end once all the found turns has been removed, ठीक है। अभी next point क्या बोलता है, next बोलता है continue to use alternate dipping wires to remove the each 1/2 turn of the foul, मतलब हम लोगों के पास दोनों dipping wire है, तो पहला ये वाला मैंने warping drum से ये वाला लिया था तो ये वाले पे load लेके मैंने खोल दिया, अभी दूसरा turn खोलने के लिए ये वाला alternate dipping wire भी है, इसको हम cycle करके दो, मतलब दोनों साइड से भी, मतलब दोनों एक्चुअली ट्विस्ट होता है तो इस ऐसे होता है, तो पहला टर्न से मैंने ए वाला डीपिंग खोल दिया, दूसरा जो ऑपोजिट साइड है उससे मैंने ए वाला डीपिंग वायर यूज करूंगा, तो बेसिकली ये चीज बोलता है ये, ठीक है। विथ द एड ऑफ, सॉरी, तो ए वाला पॉइंट हो गया। नाउ विथ द लास्ट 1/2 foul turn रिमेनिंग इन द केबल्स, रिसिक्योर द ईजिंग वायर फ्रॉम द हॉज पाइप एंड हीव द ब्रोकन चेन एंड अप ऑन द डेक फॉर रिकनेक्टिंग द ज्वाइनिंग साइकिल। तो ज्वाइनिंग साइकिल मैंने ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी उसको जब मेरा खुल जाएगा पूरा जो टर्न है वो खुल गया, तो मुझे अभी वो जो लास्ट एंड है उसका और जो मेरा विंडलस पे जो लास्ट ब्रोकन चेन है, अभी दोनों का एंड, दोनों को कनेक्शन भी करना है, ठीक है। और विंडलस पे मैंने बोल दिया हॉर्स पाइप के साइड ही मेरा ईजिंग वायर वेट कर रहा है, जो मेरा ब्रोकन चेन को वो फिर से उठाने के बाद उसको ज्वाइनिंग साइकिल पे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये वाला ईजिंग वायर मैंने इधर ही रखा था, बाकी तो मैंने डीपिंग वायर से ये दोनों टर्न खोल दिया। अभी मेरा क्या होगा, प्रिवेंटर वायर मेरा इधर से लोड लिया, मेरा स्लीपिंग केबल इधर खुल गया, लेकिन मेरा इधर एक ब्रोकन एंड रहेगा और एक ब्रोकन एंड रहेगा मेरा इधर, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ईजिंग वायर डाल के ए वाला से उठा के मुझे ए वाला जो इसका जो दोनों एंड है, ये वाला एंड एंड ये वाला एंड अभी मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यही बोलता है, वंस द चेन इज रिजॉइंड क्लियर द प्रिवेंटर। अभी मेरा चेन हो गया, अभी वेट लेने का कोई काम नहीं है, तो मेरा प्रिवेंटर वायर मैं ओपन कर दूंगा। विथ द एड ऑफ अ मैन हेल्पर एंड नाइफ सिक्योर टू द एंड कट द मनीला लैशिंग। ये आपको समझ में आ गया होगा, जो पहले वाला मनीला लैशिंग मैंने लिया था वो अभी काट देना है टू सेपरेट द केबल्स। इट वुड बी बेनिफिशियल टू पुट द स्ट्रेन ऑन द लैशिंग बाई इंक्रीजिंग द टेंशन ऑफ द एंकर। ये वाला उतना खास नहीं है। देन रिकवर द बोट एंड सिक्योर द फॉरवर्ड मूरिंग डेक। अभी मेरा सब हो गया, अभी मेरा प्रिवेंटर वायर का काम नहीं है, ईजिंग वायर का भी काम नहीं है, क्योंकि मैंने ज्वाइन कर दिया, और डीपिंग वायर जो एक्चुअली फाउल हॉज क्लियर करता है वो भी मेरा हो गया काम। तो तीनों का मेरा हो गया, मेरा एंकर शैकल वापस आ गया, दोनों सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसीजर्स है, बहुत ईजी है, आपको बस फोटो के साथ कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू, तो ये वाला मैंने तो डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। Now coming to foul anchor, जो मैंने पहले बोला था कि कोई भी केबल के आपका एंकर का कनेक्शन हो गया वेइंग टाइम, उसको आप कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है, वो वाला कैसे करेंगे। Vessel is moved ahead under engines wearing cables until it grows well astern. आपका एंकर इधर है तो आपको क्या करना है, मूव अहेड, आपका वेसल को ये वाला टाइट करके आपको अहेड मूव करना है, ठीक है। अब देखिए कि क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। When the vessel is brought up to the cable is growing astern, growing मतलब ये वाला ग्रो कर रहा है आपका एंकर केबल, एंड द केबल इज टॉट, देन वर्क ऑन द इंजिन्स अहेड स्लोली एंड इफ सी द वेसल केबल ब्रेक्स आउट स्लोली। आपका थोड़ा जो ग्रो करके एंकर केबल आपको थोड़ा अहेड मूवमेंट देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देन आपको देखना है कि एंकर का जो ये है पॉइंट है वो बेसिकली धीरे धीरे खुल रहा है या नहीं, ठीक है। In case it does not break, मतलब इतना एक पॉइंट हो गया ahead movement से, ये वाला ahead से। In case it does not break, then steer the vessel slowly in a arc
टूअर्ड्स द एंकर एंड ट्राई टू रोटेट द एंकर एंड ब्रेक इट तक, इसका मतलब क्या है? सेम ऐसा ही, लेकिन आपको क्या करना है, एक आर्क में घूमना है। आप टाइट करके आपका वेसल इधर ला दिए तो आपका ए वाला थोड़ा हेड मूवमेंट से नहीं खुला, तब आपको थोड़ा एंकर मतलब आर्क मतलब एक्चुअली सर्किल का ही पोर्शन है, आपको थोड़ा थोड़ा साइड में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा साइड से एंकर का जो जो मतलब लग गया है वो खुल रहा है, ठीक है। तो आपको इस साइड पर आना पड़ेगा थोड़ा, या फिर आपको इस साइड पर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा साइड से एंकर बेसिकली खुल रहा है आपका, ए वाला पॉइंट वही बोलता है। If it's still unsuccessful, then try the above procedures using astern movements. मतलब आपका आगे से नहीं हो रहा है तो पीछे आ जाइए, इधर इधर आपका एंकर को टाइट कीजिए, इधर से देखिए कि इधर से आपका एंकर खुलता, अब आपका एंकर घूम जाएगा इधर, तो वो भी हो सकता है कि इधर से खुल सकता है, अगर नहीं खुला फिर आप इधर का आर्क कवर कर लीजिए, तो बेसिकली हम लोग पूरा एक सर्कल के माफी कवर कर लेंगे, एंकर खुल जाना चाहिए उस टाइम तक। If still not unsuccessful, then rig up an anchor buoy and slip cable for later recovery. Anchor buoy मतलब मेरा anchor किस position पर अटक गया है, उसके लिए anchor buoy basically use किया जाता है, मतलब anchor position describe करने के लिए, एक round buoy होता है तो उसको हम लोग anchor का position describe करने के लिए डाला जाता है। Slip cable for later recovery. Slip cable मतलब easy cable होता है ताकि source side का help ना ले सके, हम लोग बिना किसी source side का help ना लेके हम लोग मतलब ये मैन्यूफरिंग के सॉरी बर्थिंग के टाइम यूज किया जाता है, तो एंकर जो हम लोग फाउल एंकर के टाइम पे भी हम लोग स्लिप केबल यूज कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर बेसिक प्रोसीजर्स टू क्लियर अ फाउल एंकर। नाउ एंकर अगर वायर केबल से हो गया तो हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशन कंसिडर कर सकते हैं, वो क्या है? एंकर एंड फाउलिंग टू बी होब वेल इन टू द हॉर्स पाइप। मतलब आपका जो एंकर और जो फाउल हो गया आपके साथ, अगर वो उठ गया होगा वायर एंकर के साथ, तो उसको हॉर्स पाइप तक उठा लेना है। यूज अ फाइबर रोप एंड पास इट राउंड द ऑब्स्ट्रक्शन। आपका जो जहाज पे कोई भी फाइबर रोप होगा उसको आपको ऑब्स्ट्रक्शन से पास करवाना है। एंड हीप बोथ एंड्स एंड टॉट एंड मेक फास्ट ऑन द फोरकैसल डेक। मतलब जो फाइबर रोप का एंड का भी आपको सिक्योर करना है फोरकैसल डेक पे, वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ एक्चुअली आप मतलब टाइट कर दिए। Then walk back anchors and clear up the obstruction. Heave the anchor into the hawse pipe. The obstruction which is now clear of the anchor can be released by slipping the by slipping मतलब वही same obstruction आपका slipping cable पे आ गया, आपका anchor जो wire आपका separate हो गया by using the fiber rope. Then आप क्या कर सकते हैं, आपका anchor secure कर सकते हैं and by slipping cable से आप obstruction उसको छोड़ सकते हैं, या फिर slipping cable काट के आप वो obstruction से वापस आप एक secure position पे आ सकते हैं। तो these are all regarding the foul anchor and foul hawse. Okay? If you like this video, please hit the subscribe button, like and share with your friends. Thank you.